भाई आज का वीडियो बहुत सीरियस है और बहुत टेस्टी भी है। सीरियस इतना ज़्यादा है कि भाई हमें केले के चिप्स के ऊपर वीडियो बनाने पड़े और टेस्टी इतना ज़्यादा है कि भाई हमें केले के चिप्स खाने को भी मिलेंगे इस वीडियो के बहाने। तो भाई यहाँ पे हमारे पास केला बनाना चिप्स। भाई खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट हमारे शार्क टैंक इंडिया वाले शो में दिखाए गए हैं। अब आप अकेला नहीं बेच सकते, हम भी बेच सकते हैं। रोनाल्ड गुड, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग इन चिप्स को कंपेयर करेंगे अपने नॉर्मल चिप्स से जो कि आते हैं हल्दीराम के और इजीली हमारे मार्केट में मिल जाते हैं, और जानेंगे कि भाई जो शार्क टैंक इंडिया में चिप्स दिखाए गए आखिरकार में क्या खास बात है, कितने के हैं, और क्या ये हल्दीराम वाले ज़्यादा अच्छे हैं या फिर ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सस्ते पड़ेंगे कौन महंगे पड़ेंगे, सब कुछ पता चलेगा हमें इस वीडियो में, ताकि आप लोग भी जान पाएँ और खरीद पाएँ सही चिप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बॉक्स ओपन हो गया इसका और यहाँ पे हमें मिलते हैं एक, दो, तीन और भाई टोटल चार फ्लेवर और येलो कलर के हैं। ओहो बहुत मस्त लग रहे हैं देखने में भाई। भाई चिप्स के पैकेट तो मस्त है लेकिन ये जिस बॉक्स में आए हैं वो तो उनसे भी ज्यादा मस्त है। लग ही नहीं रहा कि इसके अंदर चिप्स आए हैं। मन कर रहा है कि इसमें केला पैक करके किसी को दे दिया ना, कुछ भी गिफ्ट बॉक्स के लिए बहुत सही रहेगा। तो यहाँ पे हमें मिले हैं चार फ्लेवर्स। पहला है सॉय क्रीम ऑनियन पार्सले, भाई पता नहीं कौन सा फ्लेवर है। दूसरा फ्लेवर है यहाँ पे ओरिजिनल स्टाइल, शायद ये सादा सा फ्लेवर होगा। और तीसरा फ्लेवर है यहाँ पे हमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, अच्छा काला पन्ना नहीं काली मिर्च। और चौथा फ्लेवर है यहाँ पे पेरी 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 पेरी। ठीक है, तो सबसे पहले एक और मिस्ट्री की बात, अगर आप इस बॉक्स को लेते हैं तो इस एक पैकेट की कीमत पड़ी है 90 रुपये में 100 ग्राम चिप्स, लेकिन अगर आप यही चिप्स लेते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से तो वहाँ पे 60 रुपये का पड़ा है 85 ग्राम, यानी कि सेम चिप्स कंपनी 700 रुपये किलो बेच रही और सेम चिप्स कंपनी इस बॉक्स में रख के 900 रुपये किलो बेच रही। भाई क्या बात है यार, 200 रुपये का बॉक्स है क्या ये, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और यही नहीं, अगर हम लोग बात करें हल्दीराम के बना चिप्स की प्राइसिंग की, तो भाई यहाँ पे मेरे पास हल्दीराम के चिप्स भी हैं जो कि 72 रुपये का 200 ग्राम है साइटेड बनाना चिप्स फ्लेवर, और स्पाइसी बनाना चिप्स है केवल 70 रुपये का 200 ग्राम। आप रेट का फर्क देख रहे हैं, 350 रुपये किलो हल्दीराम का चिप्स मिल रहा है बनाना वाला। और यही नहीं, यहाँ पे हमारे पास फ्लिपकार्ट का भी बनाना चिप्स है जो कि 65 रुपये का 170 ग्राम है। भाई ये वाले इतने महंगे क्यों है भाई, दो गुना महंगे, तीन गुना महंगे हैं चिप्स, वो तो खा के ही पता चलेगा। सही बात है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि फ्लिपकार्ट बनाना चिप्स, और यहाँ पे हम लोग चिप्स को ऑपरेशन स्टाइल में ओपन करें क्योंकि हो सकता है थंबनेल में हमें पैकेट काम लगे। तो ये हमने ओपन किया फ्लिपकार्ट बनाना चिप्स, भाई देखने में तो काफ़ी सही लग रहे हैं और काफ़ी लाइट वेट भी लग रहे हैं, काफ़ी पतले भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मेरे मन में आ रही कि उस चिप्स भाई खाते जाओ और खाते जाओ। 65 रुपये का 170 ग्राम, 382 रुपये किलो पड़ा और इस रेट के हिसाब से बहुत मस्त है, मुझे कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही फ्लिपकार्ट के केला बनाना चिप्स में, मज़ा आ गया एकदम मज़ा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं हल्दीराम के दोनों फ्लेवर, हल्दीराम का ऑपरेशन ओके। सबसे पहले यहाँ पे कैसे स्टार्टेड बनाना चिप्स फ्रॉम हल्दीराम। अबे भाई ये तो सफ़ेद हैं, हाँ, और थोड़े से मोटे ज़्यादा लग रहे हैं इनकी तुलना में। स्टार्टेड बनाना चिप्स फ्रॉम हल्दीराम, तो भाई यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है इस वाले केला बनाना चिप्स में और हल्दीराम बनाना चिप्स में। अब समझ में आया कि प्राइस का अंतर कहाँ है, जो हल्दीराम का चिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है और खाने में इतना क्रिस्पी इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन ये वाला काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और काफ़ी स्मूथ है। लेकिन प्राइस के हिसाब से हल्दीराम भी ठीक है, अगर मैं इसे 5 में से 4.5 की रेटिंग देता
तो मैं इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग देता। अब हम लोग देखते हैं हल्दीराम का स्पाइसी बनाना चिप्स। भाई इसका भी कलर वाइट ही है, ठीक है, बस इसमें ऊपर से अलग स्पाइसेस का यूज किया गया है। तो ये वाला भी मैंने टेस्ट कर लिया, इसको भी मैं रेटिंग दूंगा 5 में से 3.5 की। तो यहाँ पे जो हल्दीराम के चिप्स 350 रुपये किलो के हिसाब से पड़े हैं, अगर कंपेयर करें इस फ्लिपकार्ट के चिप्स से कि मैं भाई 380 रुपये किलो के हिसाब से पड़ने वाला ये चिप्स प्रेफर करूँगा। काफ़ी स्मूथ, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी लाइट और काफ़ी क्रीमी, काफ़ी क्रिस्पी। अरे बस कर भाई, सब कुछ है यार। तो अब इनको रखते हैं साइड में, लाते हैं आज का असली कॉम्पिटिटर केला बनाना चिप्स साग टैंक वाले। यही 700 रुपये किलो पड़े हैं और यही 900 रुपये किलो अलग अलग जगह खरीदने पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओपन करने वाले हैं पेरी पेरी। तो ये चिप्स भी भाई फ्लिपकार्ट वाले चिप्स जैसे लग रहे हैं, येलो हैं और उससे भी ज़्यादा पतले हैं। तो भाई समझ में आ गया, जो फ्लिपकार्ट वाले चिप्स थे ये उन्हीं का अच्छा वाला वर्जन है, और भी ज़्यादा क्रिस्पी और भी ज़्यादा स्मूथ, मुंह में एकदम घुले जा रहे हैं। सच में चिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ बस स्वाद हो सकता है किसी को पेरी पेरी ना पसंद आए, किसी को पसंद आए, लेकिन जो बेसिक मटेरियल है इस चिप्स का केला, वो बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा सच में 2 गुना मस्त है। जो हमने प्राइस दिया है उस हिसाब से सच में 2 गुना मस्त है। तो भाई इसको मैं रेटिंग दूंगा सेम 4.5, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं ये वाला फ्लेवर और इसका भी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। इसके भी चिप्स येलो ही हैं, टेस्ट भाई अभी तक सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का डिफरेंस आया है, और टेस्ट के हिसाब से मैं इसकी रेटिंग थोड़ी कम करूँगा क्योंकि इसका टेस्ट मुझे थोड़ा अलग लगा, सॉल्ट क्रीम कुछ चीज़ें टेस्ट आ रहा है, और मैं इसे फाइनल रेटिंग दूंगा 5 में से 4.1 के। लेकिन भाई बेस मटेरियल केला का बिल्कुल सेम है, बहुत मस्त है भाई, बहुत मज़ा आ रहा। मैं बता नहीं सकता, अगर आलू के चिप्स होते मैं इतने चिप्स बिल्कुल ना खाता, और इनको खाने से मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ ऐसे चिप्स हैं ऑनियन लेके, सेम सेम येलो। तो भाई इसका टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल फ्लिपकार्ट वाले जैसा था, बस ये थोड़ा कम नमक वाला था, फ्लिपकार्ट वाले में नमक थोड़ा ज्यादा था। अगर बात करें रेटिंग की तो मैं इसे दूंगा 5 में से 4.2 की रेटिंग। फ्लिपकार्ट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा सच में, लेकिन ये भी कम नहीं था, और इसका बेस पहले की तरह एकदम जबरदस्त, हल्के केले पतले केले। लास्ट वाला साल्ट एंड ब्लैक पेपर, हमेशा की तरह सेम बेस, हल्के येलो केले की चिप्स, बस होगा अंतर सिर्फ और सिर्फ केस का। भाई इसका भी बस टेस्ट में अंतर था, और मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में से 4 की। लेकिन अगर बात आएगी चिप्स खरीदने की तो भाई मैं खरीदूंगा फ्लिपकार्ट बनाना चिप्स, क्योंकि ये कम रेट में बिल्कुल केला बनाना चिप्स जैसा ही हमें चिप्स हमें मिल रहा है। फाइनली आज मैंने काफी सारे चिप्स ट्राई कर लिए, और फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर मुझे लेना होगा तो मैं ये लूंगा, क्योंकि सस्ता भी है और लगभग केस में केला बनाना चिप्स जैसा ही है। बाकी का हल्दीराम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस एक शिकायत है कि भाई आप टेस्टी तो बना रहे हो लेकिन इतना महंगा क्यों? उम्मीद है आप लोग थोड़ा मेरे बजट का भी बनाओ तो मैं आपका भी खरीदूं, नहीं तो भाई 60 रुपए 90 रुपए का 100 ग्राम चिप्स खरीदने से पहले मैं सोचूंगा। 5 चिप्स के पैकेट 5, 10, 15, 20 तो मिल जाते हैं, तो भाई आप तो समझ ही गए होंगे कि जितने कम दाम में अच्छी चीज मिलेगी उतना ही ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो भाई सोचे में बने, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दबा देना।